हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इन द प्रीवियस क्लास योर राइटिंग सेक्शन एडवर्टीजमेंट हैज बीन फिनिश्ड, राइट? एडवर्टीजमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया गया। आज मैं आप लोगों को फ्लैमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जो अल्फोंस डाउडर के द्वारा लिखा गया है, मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल्फोंस डाउटर के द्वारा लिख। लुक एट बॉडी, लिस्ट द चैप्टर प्रॉपरली। हाँ, द लास्ट लेसन, दैट मीन्स अंतिम अध्याय। इस चैप्टर को दे सुनकर शायद इन योर माइंड मेनी क्वेश्चंस मस्ट बी कम, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया। इस सारी चीज को जानेंगे जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द समरी, लेट्स स्टार्ट टू नो समथिंग अबाउट द राइटर अल्फोंस डॉडरिक। ओके, जब हम राइटर की बात करते हैं तो ही इज बोर्न ऑन, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 13 जून 1840। कब हुआ था? 13 जून 1840 को एट नाइम्स, मीन्स जो जगह का नाम था वो नाइम्स था, जो कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। और डाइड, और इनका जो मृत्यु हुआ था ना, डाइड ऑन दिसंबर, कब हुआ था? दिसंबर 16th दिसंबर 1897 एट पेरिस। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट? लुक एट वर्ड। तो अल्फोंस डॉडर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 13 जून 1840 को, कहां पे? नाइम्स, एक फ्रांस में जगह है, जो जगह का नाम क्या है? नाइम्स। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 16 दिसंबर 1897 को हुई थी, कहां पे? पेरिस। पेरिस कहां है? फ्रांस है, फ्रांस की वो राजधानी थी, राइट? नेक्स्ट, कि जो अल्फोंस डॉडर जो थी, ही इज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। वो क्या है? तो ही इज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, राइट? अलोंग विद अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है जो फ्रेंच में लिखा, ठीक। तो ये हम लोग जाने अभी अल्फोंस डॉडर के बारे में, कि वो उनका जो जन्म हुआ था 13 जून 1840 नाइम्स में हुआ था, और डेथ जो हुआ था वो 16 दिसंबर 1897 हुआ था, कहाँ पे? पेरिस में। वो क्या थे? फ्रेंच नॉवलिस्ट के साथ साथ क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। लुक एट बॉडी, दिस चैप्टर द लास्ट लेसन इज टोटली बेस्ड ऑन वार। यह जो चैप्टर है वो बेसिकली टोटली जो बेस्ड ऑन किस पे आधारित है? तो एक वार पे, युद्ध पे आधारित है, जो 1870 से 1871 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसका नाम था फ्रैंको प्रसियन वार, जो कब लड़ा गया था? 1870 ईस्वी में, और
1871 ईस्वी में खत्म हुआ था, या जनवरी में 1871 के जनवरी में खत्म हुआ था। अगर पूरा डेट लिखना चाहते हैं तो 28 जनवरी 1871 को खत्म हुआ था, और जो स्टार्ट हुआ था वो 19 जुलाई 1870 को स्टार्ट। ये क्या है, द लास्ट नेशन जो चैप्टर, उसका बैकग्राउंड के बारे में। एक वार हुआ था जो फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 19 जुलाई 1870 को, और कब तक चला था, तो 28 जनवरी 1871 को। ठीक है, तो जो लड़ाई हुआ था फ्रांस और प्रशिया के बीच में, उसमें फ्रांस क्या था, वह था हार गया था। प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था, और जब प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था तो प्रशिया क्या करता है, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, जिसका नाम है एल्सिस एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, कैप्चर कर देता है। किसको, एल्सिस और लॉरेन को। एक चीज मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि प्रशिया, इसको पर्सिया नहीं पढ़ेंगे, पर्सिया इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, राइट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो प्रशिया। प्रशिया जो है वो मेनली तीन कंट्री से मिलकर के बना हुआ था उस समय। वो तीन कंट्री कौन कौन से थे, तो पहला था जर्मनी, ठीक है, दूसरा था पास्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, दूसरा क्या था, पास्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, और तीसरा था पोलैंड। ठीक है, समझ रहे। तो जब दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, तो फ्रांस जब हार गया था प्रशिया से, तो बर्लिन एक नाम आता है जो जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है, कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो ये ऑर्डर देते हैं फ्रांस में कि आप फ्रांस लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में कोई भी चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, आप फ्रेंच के बजाय आप जर्मन लैंग्वेज में या जर्मन में सभी को पढ़ाएंगे। और उसी के अनुसार द लास्ट लेसन रखा गया, जिसे हम लोग एक फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि यह फ्रांस है, ठीक है, तो यहां पे दो डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा एल्सेस, और यहां पे देखेंगे मानचित्र में तो देखेंगे लॉरेन, ठीक है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, प्रशिया जो है वो कैप्चर कर लेता है उस युद्ध में। कौन से युद्ध में, फ्रैंको प्रशियन वार में, जो 1870 से 1871 तक चले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द लास्ट लेसन की, जब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स में, आते हैं कैरेक्टर्स। अरे तो इसमें मेनली दो कैरेक्टर्स है, पहला फ्रांस, जो कौन है, तो वो नैरेटिव, कौन है, नैरेटिव, ठीक है। दूसरा है मिस्टर एम हैमर, ये कौन है, तो ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, ठीक है। और द स्टोरी स्टार्ट्स विद आई, आई दैट मीन्स यहां पे नैरेटिव। एक चीज मैं यहां पे और क्लियर कर देना चाहता कि चाहे हम आई की बात करें, चाहे हम फ्रेंड्स की बात करें, चाहे नैरेटिव की बात करें, ये कौन है, तो ये राइटर ही है एल्फोंस डॉडरेट, ठीक है। इसमें और भी एक जगह नाम आता है, जो मिस्टर एम हैमल जो टीचर है उसकी बहन के बारे में बात होती है, और एक जगह एक ब्लैक स्मिथ की बात होता है जिसका नाम है वाचर, वाचर, इसको वाचर भी पढ़ सकते हो, बट वाचर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नाम है, ठीक है। वो क्या है, तो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ दैट मींस एक लोहार, ठीक है। द लास्ट लेसन, जब हम इस चैप्टर के मैसेज की बात करते हैं, तो यह मेनली दो मैसेज को कन्वे करता है लोगों को, और दैट कन्वेज टू मैसेजेस। द चैप्टर द लास्ट लेसन कन्वेज to the first impact
of war on the public. हाँ, जैसे कि जो वार लड़ा गया था, जो दो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया था, तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे. और दूसरा क्या एक कलमी मैसेज करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज, कि हमारा खुद का जो लैंग्वेज है, खुद का जो कल्चर है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है राइटर आपको कन्वे करता है. बिफोर आई स्टार्ट समरी आई मस्ट टेल यू वर्ड टू कंटिन्यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज ज्वाइन अस द चैनल स्टडी विद आकाश. बाय द वे लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द लास्ट लेसन. द चैप्टर स्टार्ट्स विद आई. जो चैप्टर होता है स्टार्ट वो आई से स्टार्ट होता है. मैंने कहा आई दैट मीन्स नरेटर. नरेटर कौन है? एल्फोंस डॉटेड. वो स्कूल के लिए वो कह रहे हैं. कौन कह रहे हैं? आई दैट मीन्स एल्फोंस डॉटेड कि मैं क्लास के स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था और मैं स्कूल जाना भी नहीं चाहता था. मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि सर मुझे डांटेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे पार्टिसिपल्स लर्न करने को कहे थे और मैं पार्टिसिपल्स को लर्न नहीं कर रहा था. बाहर जो दिन था वह बहुत ही सुहावने वाले दिन थे, बहुत अच्छा आनंद वाला दिन था. बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षियां चहचहा रहे थे. प्रसियन सोल्जर्स वर मार्चिंग, वे लोग मार्च कर रहे थे. मिस जो दिन था वो बहुत ही सुहाना था. मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था. मैं सोच रहा था कि अपना जो दिन है वह बाहर में ही आज बिता लूं. बट मैं अपने आप को कंट्रोल करा और लेट होने के बावजूद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे स्कूल जाना भी चाहिए. स्कूल जाने के अलावा मेरे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं. एज ही क्रॉस्ड कौन Alphonse Daudet, that means French narrative. As he crossed town hall, जो ही वो town hall कहते हैं जहाँ पे भीड़, मतलब बहुत सारे भीड़ वाला इलाका होता है आपका, कि वो क्रॉस करता है तो देखता है एक बुलेटिन बोर्ड को और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आती है. तो मन में सोचता है कि यह वही बुलेटिन बोर्ड है जहाँ से पिछले दो सालों से सिर्फ बैड न्यूज ही आ रही है. और वह सोचे कि मैं पढ़कर चलो देखूं, बट वह सोचता है कि मैं बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, इसलिए मैं इस चीज को पढ़े बजाय मैं क्या करूं, स्कूल की ओर मुझे चलना चाहिए. और वो बढ़ जाता है. तभी पीछे से ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम है वॉचर, ब्लैक स्मिथ दैट मींस लोहार, वो आवाज देता है कि डोंट वरी, तुम स्कूल पहुंच, चिंता मत करो, तुम स्कूल सही समय पर पहुंच जाओ. और राइटर मिस फ्रांस सोचता है कि वो मेरे पे को ताना दे रहे हैं, ही स्टॉन्टिंग अप. जब वो स्कूल गार्डन पहुंचता है, कौन? एल्फोंस डॉटेड. तो देखता है कि बहुत साइलेंट, पूरे स्कूल साइलेंट है. एक वर्ड आता है, फ्रेज, पिन ड्रॉप साइलेंस. पिन ड्रॉप साइलेंस दैट मींस कि जो पिन गिरता है तो आवाज नहीं करता, उसी तरह पूरे स्कूल पिन ड्रॉप साइलेंस में था. बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब स्कूल खुलता है तो बहुत सारे हसल बसल होते हैं, शोर होते हैं, लोग इधर उधर घूमते हैं. तो नरेटर सोचा कि अगर बहुत सारे लोग बिजी होंगे, इधर उधर बात कर रहे होंगे, तो मैं उसी का फायदा उठा करके मैं क्लास में चुपके से जाकर बैठ जाऊं. और वह ऐसा किया कर भी करते थे. वह हमेशा जनरली स्कूल के लिए लेट से ही जाते निकलते. तो जब वो देखा कि पूरा शांत पिन ड्रॉप साइलेंस से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो ही सरप्राइज्ड और ही एम्बैरस्ड कि आज तो पक्का डांट खाएंगे. और इतना ज्यादा ज्यादा साइलेंट था, मानो कि आज संडे मॉर्निंग है, क्लास स्कूल ऑफ है. तब वह स्कूल अपने क्लास का वो विंडो के पास जाते तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग साइलेंटली.
कि बच्चे जो है वो साइलेंटली बैठे हुए हैं और जो टीचर मिस्टर एम हैमर होते हैं वो एक आयरन स्केल को बाहर ऐसे करके दबा करके वह इधर उधर मूव करते रहते हैं। फिर वो दरवाजे के पास आते हैं राइटर मीन्स फ्रेंड्स, तो मिस्टर एम हैमर मिस्टर टीचर से वो कहते हैं फ्रेंड्स तुम आ गए, अच्छा हुआ, नहीं तो आज मैं तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाला था। तो उसका जो हार्ट बीट था वो बहुत तेज था क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास के लिए लेट हो चुका था, वो लेट स्कूल पहुंचा था और वह सोचा था कि कोई नोटिस नहीं करेंगे, मैं चुपके से बैठ जाऊंगा, बट सारे लोगों ने उसे देख लिया। वो जाकर के बेंच पे बैठते हैं और वह सोचने लगते हैं एज हिज हार्ट बीट, जैसे उसका हार्ट बीट थोड़ा सा रिलैक्स ही इज रिलैक्स्ड होता है तो पीछे देखता है तो देखता है कि पूरे गांव वाले गांव के लोग पीछे बेंच पे बैठे हुए हैं, क्लास जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। तभी उनका नज़र मिस पीत का फ्रेंड्स जो राइटर नरेटर और राइटर भी हैं एल्फोंस डॉक्टर, जो उनका नज़र है जो आता है वो मिस्टर एम हैमर मिस टीचर पे जाता है तो देखते हैं कि वो न्यू ड्रेस पहने हुए हैं और वो सोचने लगता है कि न्यू ड्रेस टीचर तभी पहनते हैं जब उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या फिर कोई त्यौहार हो, बट आज तो ना ही कोई त्यौहार है और ना ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आखिर वो न्यू ड्रेस क्यों पहने हैं, क्लास डेकोरेटेड क्यों है, उसके पीछे जो लोग बैठे हुए थे गाँव के लोग वो लोग आखिर क्यों बैठे हुए हैं और वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास भी बहुत सारे भीड़ थे, आखिर क्यों थी। उसे ये सारे चीज़ें जब मिलाने लगे तो वो अनयूजबल थिंग्स लगने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, आखिर हुआ क्या। तभी मिस्टर एम हैमल द टीचर वो ही सिट्स इन द चेयर, वो चेयर पे बैठते हैं और कहते हैं हेलो स्टूडेंट्स टुडे इट इज योर लास्ट लेसन और टुडे इट इज योर लास्ट क्लास इन फ्रेंच, कि फ्रेंच में आज आपकी अंतिम क्लास है, अंतिम अध्याय है, कल से आपको कोई न्यू टीचर जर्मन में पढ़ाने के लिए आएगी। एज ही लिसन्स हिज स्टेटमेंट, जो ही नरेटर इनकी टीचर की स्टेटमेंट को सुनते हैं जस्ट शॉक्स, वह अचंभित हो जाते हैं, सरप्राइज्ड कंप्लीटली। वो सोचने लगते हैं कि हार्डली हैड आई स्टार्टेड राइटिंग, कि मुश्किल से मैंने लिखना शुरू ही किया था, जानना इन्हें ही लगा था फ्रेंच अपनी भाषा को, तब तक इसे चेंज, कल से मुझे इस चीज को नहीं पढ़ाना, मैं पढ़ना नहीं चाहता था बट यह मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हो गए चुके, मैं सुने कह सकते हो कब उन्हें बुरा लग रहा था। इतने सारे चीजों को सोचकर तभी उनके मन में चलने लगे कि अच्छा कि बुलेटिन बोर्ड जो लास्ट दो साल से इतने बुरी न्यूज से पा रहे थे शायद इसलिए लोग वहां पे भीड़ इकट्ठे हुए थे, वो लोग इसी न्यूज को पढ़ रहे होंगे और जो गांव वाले लोग यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं वो लोग इसलिए बैठे हुए क्योंकि वे रिस्पेक्ट देना, वो चाहे अपने आप को अच्छे से नहीं पढ़े थे इस लैंग्वेज को सीखने थे और वो उस टीचर मिस्टर हैमर जो 40 ईयर्स 40 साल तक निष्ठावान तरह से है ना सेल्फलेस हो करके वो लोगों को सर्विस दे रहे थे, उनको पे रिस्पेक्ट है ना, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये सारे अनयूजुअल थिंग उन्हें समझ में आने लगा था। तभी अचानक मिस्टर एम्बल जो टीचर होते वो फ्रेंच को बोलते हैं कि फ्रेंच खड़े हो जाओ और जो तुम्हारा होमवर्क था पार्टिसिपल्स का उसे पढ़ो। वह खड़ा होता है एनर्जेटिक रूप से। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, फ्रेंच जो नरेटर है वो एक बहुत ही कमजोर स्टूडेंट, तो वो खड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इतना एनर्जी से कि हर चीज को एकदम जोर से पढ़ दूं सबके सामने, बट जो ही वो खड़ा होता है वह स्टार्ट भी करता है बट वो फंस जाता है और ऐसे करके लास्ट में खड़े हो जाता है बेंच पे हाथ रख करके और अपना माथा ऐसे नीचे झुका लेता है, वह ऊपर देखता भी नहीं है सर से। तभी मिस्टर एनिमल कहते हैं कि डोंट वरी फ्रेंड्स, यह तुम्हारा गलती नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यह हम सबकी गलती है और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम किसी भी चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं,
स्टूडेंट्स ध्यान देना, शायद हम लोग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज हल्के में ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। हम लोग हर चीज को कल पे टाल देते हैं, राइट। और यहाँ पे भी टीचर और फ्रेंड जो थे वो कल पे टाल देते थे, जिसके कारण से शायद ये प्रॉब्लम हुई। तो हमें कोई भी चीज को कल पे नहीं टालना चाहिए जो आज हम कर सकते हैं। तो टीचर कहते कि हम लोग कोई भी चीज को ग्रांटेड ले लेते थे जो नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पापा जो तुम्हें पढ़ाना भी चाहते थे, बट उससे ज़्यादा चाहते थे कि तुम किसी जगह पे काम करो ताकि आप वहाँ से पैसा को अर्न करो और आप फाइनेंशियली पेरेंट्स को सपोर्ट करो। और मैं जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता तो मैं आपको तुमको कह देता था फ्रेंड कि तुम जाकर के बगीचा में पानी दे दो। और ये सो अगर तुम नहीं जान रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसमें हमारी सबकी गलती है कलेक्टिवली, योर आल्सो, मेरा भी और योर पेरेंट्स आल्सो। तभी वो कहते हैं, बाय द वे फ्रेंड्स, एक चीज मैं फिर भी जरूर कहूंगा कि कल से अगर जर्मन के लोग आ जाते हैं पढ़ाने के लिए और अगर तुम्हें फ्रेंच नहीं आता है तो क्या कहेंगे कि तुम कैसे फ्रेंच हो कि तुम्हें अपना लैंग्वेज नहीं आता। हम लोग इस चीज को ऐसा समझते, वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। अगर हमारा मदर टंग हिंदी है, राइट, तो अगर हमारा मदर टंग हिंदी है, अगर मुझे हिंदी नहीं आता, हमारा कल्चर नहीं आता, है ना, तो लोग क्या कहेंगे? जस्ट इमेजिन, राइट। तो वही समझाते हैं फ्रेंड्स को, कौन, मिस्टर हैम हैमल, जिस जो टीचर। और वो कहते हैं कि फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, फ्रेंच एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत ही, और दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है, फ्रेंच इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ मिस्टर हैम हैमल ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसे उतारना चाहते तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लो। 30 सेकंड मैं मिटाता हूं ताकि मैं और भी लिख सकूं इसमें। ओके, तो हम लोग कहा थे कि जब एम हैमल जो टीचर है वो ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जब वो बताते हैं, तो फ्रेंड जो है वो सोचते हैं कि मिस्टर जो टीचर है वो आज जितना जानते हैं फ्रेंड्स में वो सारे चीजें देना चाहते हैं, और जो भी चीज वो दे रहे थे आज मुझे हर चीज बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा था। तो एज द ग्रामर सेक्शन फिनिशेस ऑफ, जब ग्रामर सेक्शन फिनिश होता है उसके पहले हम लोग आते हैं, हम लोग ने डिस्कस किया था फ्रैंको प्रशियन वार के बारे में, है ना, कि जो वो कहते हैं कि टुडे इट इज योर लास्ट लेसन, कि आज ये आपकी लास्ट लेसन है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में ही बतला दिया था, है ना, कि एक लड़ाई लड़ा गया था फ्रांस और प्रशिया के बीच में, जिसमें प्रशिया ने जीत करके क्या किया था, एलसेस और लॉरेन को कब्जा कर लिया था, है ना, किसके द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच में किसी तरह से पढ़ाना नहीं है, तो बर्लिन ने ऑर्डर दिया था। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? तो बर्लिन जर्मनी, है ना, की राजधानी है। यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रशिया मेनली कितने देश से मिलकर बना था, तो मैंने यहां बताया देखो कि जर्मनी, पास्ट ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड, ये तीनों देश से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं बुनियाद पे कि एज ही फिनिशेस ऑफ ग्रामर सेक्शन, जो ही वो ग्रामर सेक्शन को फिनिश करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं राइटिंग सेक्शन को, और सभी को एक कॉपी देते हैं लिखने के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें लिखा होता है एलसेस फ्रांस। क्या लिखा होता है? एलसेस फ्रांस। और सभी क्या करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नॉट मींस चाहे वो बच्चे हो, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, सारे लोग
क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट व्हाट हैपेंस, कि होता क्या है कि कुछ एक बार कुछ कीड़े अंदर आ जाते हैं, इसके बावजूद भी किसी का माथा, किसी का सर ऊपर नहीं उठा उस कीड़े की ओर। वे लोग इतने मग्न और डेडिकेटेड होकर के वह राइटिंग को लिख रहे। तभी ऊपर से कबूतर का आवाज आता है, गुटरगु गुटरगु, और फ्रेंड्स सोचते हैं क्या अब इस कबूतर को भी अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, क्या अब इन्हें भी जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सारे चीजों को वो क्या करते हैं, सोचते हैं। तभी उनकी जो नजर है, क्योंकि फ्रेंड्स की जो आईज है, वो मिस्टर हैमल टीचर पे जाता है और वो देखते हैं कि इनकी जो नजर है वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मिस इज कंप्लीटली ओवरवेल्ड, कि वो बहुत ही चिंतित वरीड देख रहे थे। उससे पता चल रहा था कि इनको अपने लैंग्वेज से कितना प्यार है, बट फिर भी यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। और वो क्या स्ट्रांग थे, जब वो लोग लिख लेते हैं राइटिंग को, तब वो हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करते हैं, और जब हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एज ही वॉज राइटिंग जस्ट हिज वॉइस ब्रेक, है ना, एक वर्ड आता है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बोलते बोलते चुप हो जाना या फिर रुक जाना, तो वो क्या करते हैं, ब्रेक्स ऑफ हो जाते हैं, मींस वह लड़खड़ाने लगता है, क्यों लगते हैं सॉरी। तभी जब वो घड़ी देखते हैं तो देखते हैं कि वह 12 बज चुका है, और जब फ्रांस की बात करते हैं जब पहले की, तो वह वहां पे स्कूल जो होती थी वो 12 बजे छुट्टी हो जाती थी। जब 12 बज आते हैं तब देख घड़ी में, तभी पीछे से कुछ प्रशियन सोल्जर्स की आने की आवाज और उनके घोड़ों की आवाज आती है। तभी वो कहते हैं, एक लाइन लिखते हैं बोर्ड पे, लीव लॉन्ग फ्रांस, है ना, कि फ्रांस अमर रहे। और वो कहते हैं अपने स्टूडेंट से कि ऐसे इशारा करके कि 12 बज चुके हैं, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी द लास्ट लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह से दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछ लें। धन्यवाद।